पंचकूला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में करीब 3400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। ग्रुप डी व टीजीटी पंजाबी के चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने पंचकूला वासियों को करीब 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया शिलान्यास। भारत निर्वाचन आयोग ने की आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा के रंग में रंगा हरियाणा। प्रदेश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रदेश में 3400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ग्रुप डी व टीजीटी पंजाबी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, वित्त मंत्री जेपी दलाल सहित कई मंत्री वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ये सभी प्रतिभाशाली युवा हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता पाई है। आज से 10 साल पुराने हरियाणा में निराशा, अविश्वास और आक्रोश का माहौल था। पहले नौकरियां क्षेत्रवाद व भाई भतीजावाद के आधार पर दी जाती थी, लेकिन आज युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के योग्य युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आज हरियाणा प्रगति के राह पर लगातार अग्रसर है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, पहले वे अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को दें। कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नव नियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है, मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है। 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और 380 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। लगभग 3400 करोड़ रुपए के सारे ये कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पंचकूला के अंदर भी 62 ऐसे कार्य हैं जो आज जिनका उद्घाटन हुआ है और लगभग 250 करोड़ रुपए के ये सारे काम आज इनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला वासियों को लगभग 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए कल सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं पंचकूला के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज में शूटिंग के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे जो प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। हरियाणा की बेटी मनु भाकर और बेटे सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ही पदक जीतकर देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। पंचकूला के साथ साथ हरियाणा के अन्य क्षेत्रों और हरियाणा के साथ लगते पंजाब और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी इस शूटिंग रेंज में अभ्यास कर सकेंगे। स्तर की शूटिंग रेंज आज इसका शिलान्यास हुआ है। 14 एकड़ के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित यह शूटिंग रेंज यहां पर बनकर के तैयार होगी। हमारे इस क्षेत्र के युवा
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे। अपने उन युवा साथियों को भी जिन्होंने अभी पेरिस के अंदर जो गेम चल रहे थे, हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो वहां से मेडल लेकर के आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी शूटिंग के अंदर वो लेकर के आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में स्थापित होने वाला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन संस्थान होगा। स्थान है आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया की दिशा और दशा को बदलने का काम भी आज किया है, और इसका लाभ प्रौद्योगिकी के बिना कृषि, उद्योग, चिकित्सा के वह इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आज संभव नहीं है। हरियाणा के आगामी विधानसभा आम चुनावों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग ने मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और प्रशासनिक सचिवों के साथ भी अहम बैठकें की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ आयोग की चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। आज आयोग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में आयोजित मैराथन को कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस मौके पर एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी, वे हमारे शहीदों की कुर्बानियों से रूबरू हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर एक पेड़ दिया जाएगा, और यदि वे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उस पेड़ की देखभाल करेगा तो उस बच्चे को 5 अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा व आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। इससे लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ेगा, और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्र सेनानी देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने का भी अवसर है। उनको बच्चे याद भी करेंगे, बड़े भी याद करेंगे, और जिस जो उनके मन में उस समय सोच थी कि आजादी के बाद भारत कैसा होगा, तो उस प्रकार की कल्पना भी, और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और एक मंत्र भी है कि सभी एक जैसा सोचें और एक दिशा में चलें, तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार का एक भाव है और उसके लिए काम करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कल कैथल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी की जंग में देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए ये एक अनूठी पहल है। इस अभियान से आमजन में देशभक्ति का भाव और अधिक प्रबल होगा। हर घर तिरंगा की मुहिम को तेज किया गया है और एक तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन आज कैथल में हुआ है, जिसमें हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी और मैं पहुंचे, और राष्ट्रीय भावना मजबूती के साथ जन जन तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, इसकी प्रेरणा ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं कहूँगा एक जागृति लाई कि देश के प्रति किस प्रकार से हमारा प्यार होना चाहिए। उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने का जो हमें निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा निर्णय लिया। आज आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगना चाहिए कि जो हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी, आज देश आजाद हुआ, उनको हम सलूट करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में आज गांव बालू से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर यह यात्रा हिसार के लिए रवाना हो गई।
अनुराग ढांडा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर देश को तरक्की की ओर ले जाना है। होकर के इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के देश बनता है लोगों से। देश एक पत्थर से नहीं बनता, देश इमारतों से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और आम आदमी पार्टी का मानना है कि देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देके देश को तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे विधानसभा उपाध्यक्ष रणधीर सिंह गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज व एडीसी विवेक भारती सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। रणवीर सिंह व सुनीता दुग्गल ने सभी लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस अभियान से देशभक्ति की भावना दिल में समाती है। आज देश के राष्ट्रभक्तों की वजह से ही हम लोग आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गांव सत्र के अंदर हम ये यात्राएं निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा ये जो अगस्त का महीना आजादी का महीना है, हम उन वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का काम किया। और हमारे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी को सहेज के रखे, संजो करके रखे और इसको आगे बढ़ाने का काम करे। 15 अगस्त पर अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सभी शहीदों को याद करें और युवाओं को भी ये आह्वान किया है। और इसी की कड़ी में हम सब जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर जो है वो 11, 12, 13, 14 तारीख को जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है पौधारोपण भी किया गया है। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं में भी देशभक्ति का जबरदस्त जुनून देखने को मिला। उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना हमने। आज देश की आन बान शान 15 अगस्त को बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इससे हम युवाओं को एक संदेश देते हैं कि नशे से दूर रहें और देश की तरक्की के लिए अपना साथ दें। तिरंगा यात्रा इंडिपेंडेंस डे के लिए निकाल रहे हैं। आज के दिन हमारे जो फाइटर्स थे उन्होंने देश को याद कराने के लिए मतलब अपने बलिदान दिया। उधर हिसार में निकाली गई तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारत माता की जय उद्घोष के साथ ये यात्रा कैनाल रेस्ट हाउस से शुरू होकर शहर की विभिन्न मुख्य चौराहों से निकली। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी ने कहा कि ये यात्रा देश के लिए बलिदान देने वालों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पूरा देश इसे उत्सव के तौर पर मना रहा है। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। हमारे शहीदों को नमन करते हुए पूरा देश इसे उत्सव के तौर पर मना रहा है। साथ ही हमारे प्यारे बच्चे इस देश का भविष्य है, उन सबको आज़ादी का हमारा महत्व समझाने के लिए। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, तो उसकी शान बनाए रखने के लिए और लोगों में उनको तिरंगे के प्रति जागरूक करने के लिए हम हर तरीके से मुस्तैद हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तथा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि वो हर घर तिरंगा अपने घर में लहराएं। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा ने कहा कि तिरंगे को लेकर हर खिलाड़ी के मन में यही भाव रहता है कि वो विश्व में किस तरीके से अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा रखे। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, इसलिए हमें अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराना चाहिए। ये हम जीते हैं और निसंदेह हमें हर किसी को अपने घर में, दुकान में, हर जगह एक तिरंगा लगाना चाहिए ताकि वो हमें पॉजिटिविटी दे। और एक इससे क्या होता है, देश में एकता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है आपस में। तो बस आज़ादी के पर्व पर यही करेंगे कि तिरंगे का सम्मान करो, तिरंगे के लिए काम करो। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत फतेहाबाद के गाँव रत्ता खेड़ा में अनूठी पहल की गई। तिरंगा यात्रा के साथ साथ मोबाइल वैन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। ग्रामीणों ने महिला व बाल विकास विभाग की जमकर सराहना की। सुपरवाइजर सुमन रानी ने बताया कि इस अभियान को ग्रामीणों ने मिलकर एक पर्व का रूप दे दिया है। लोगों को देशभक्ति के साथ साथ सामाजिक बुराई को त्यागने का संदेश दिया गया है।
स्थानीय महिलाओं ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अभियान के तहत और ये फतेहाबाद जिले में जो हमारी डीपीओ मैम है श्रीमती कविता, उन्होंने ये मोबाइल वैन चलाई है जो गांव-गांव जाकर और सेक्स रेशो पर लोगों को जागरूक कर रही है, महिलाओं के हक के बारे में, और बेटियां और बेटे दोनों समान हैं। सरकार के द्वारा आज हमारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम किया गया, जिसमें की गई सभी महिलाओं के लिए शिक्षा और सामाजिक भागीदारी की बात करी, जिससे हमारे गांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज हमारे गांव में महिलाओं के लिए अनुपात सुधारने के लिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए गाँव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम किया गया है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, महिलाओं को मोटिवेट भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। जहां एक तरफ 14 अगस्त की रात को देश आज़ाद हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की आज़ादी की कीमत विभाजन के रूप में भी मिल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग पलायन को मजबूर थे, जिन्हें अपनी आज़ादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। विपरीत हालातों में बहुत से लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा तथा बहुत से लोगों को धर्म के आधार पर भारत में आना पड़ा। भिवानी के विभाजन के पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि ये बहुत दर्दनाक अवसर था। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके पुरखों को मजबूरन पाकिस्तान से बाहर पलायन करना पड़ा। उनके पुरखे जान बचाकर ट्रेन के माध्यम से भारत पहुँचे। उनके पास जो पैसे व जेवरात थे उन्हें लूट लिया गया। बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी शरारती तत्वों ने खिलवाड़ किया। जो ट्रेन आज पाकिस्तान से भारत के अटारी बॉर्डर पर पहुंचती है वो सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, जबकि उस समय ये रास्ता 7 से 10 दिन में पूरा हुआ था। ट्रेन में बीमारियां फैल गई थी, पीने के पानी व खाने की कमी थी। भारत पहुंचने पर उनके पुरखों को हरियाणा के भिवानी व हिसार में जमीन व मकान अलॉट हुए तथा उनके पुरखों को फिर से नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। बड़ा कष्टदायक और दर्दनाक मंजर था उन दिनों। हमारे मेरे खुद के पिताजी श्री अविनाशी लाल मल्होत्रा वहाँ झंग जिले में रहते थे, तो वहाँ से आने के बाद पिताजी कई बार बताते थे कि कैसे जैसी बंटवारे का फैसला हुआ भारत और पाकिस्तान का, उधर से हिंदू थे उनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए, और पाकिस्तान में पहले तो कई दिन तक मोहल्लों के अंदर किलेबंदी करके छुपे रहे किसी प्रकार से बच जाएं। फिर अल्टीमेटली ये भी फतवे जारी हो गए भी अगर कोई मुसलमान बन जाते हैं तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उनको कुछ ना कहो और जो हिंदू हैं वैसे उनको मारो। तो फिर हमारे जो फादर थे और उनके परिवार के अन्य लोग वो वहाँ से झंग से चले थे। आज़ादी के बाद जैसे ही विभाजन हुआ देश का, तो उस टाइम वहाँ हमारे बुजुर्गों को ये भी नहीं मालूम था कि हमें अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। वो तो सारे मस्ती में बैठे थे, भाई ये कुछ थोड़े टाइम का ऐसा है ये शांत हो जाएगा। एकदम वहाँ से ऑर्डर हो गए कि आपने हिंदुस्तान जाना है, देश के इस हिस्से में जाना है। वहाँ से गाड़ियाँ भर के चल पड़ी, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले तो ठीक आई गाड़ियाँ, लेकिन फिर जो गाड़ियाँ कट के आने लग गई यहाँ वहाँ से मारकाट शुरू हो गई। भीड़ का कोई दिमाग तो होता नहीं, उन्होंने वहाँ मारकाट कर दी और मारकाट लोग कट कट के यहाँ आने लग गए। बहुत ही दर्द सहा हमारे बुजुर्गों ने। विभाजन के टाइम में बहुत मारकाट हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। हम अपनी जायदाद जमीन मकान सब वहाँ छोड़ कर आए, यहाँ आकर हमने मेहनत की, हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ आकर हमने अपनी जमीन जायदाद संभाल बनाई, मेहनत से काम किया। आज हमारा समाज इस लायक है कि हम 36 बरादरी में बैठकर अपना वो करते हैं, और हमने बहुत मेहनत की। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला व जिला खेल अधिकारी अनिल कुमार सैनी भी मौजूद थे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम किया है, देश की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, हर घर तिरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। हर आम नागरिक जिसको तिरंगे के
पूरा सम्मान तिरंगे को उसके घर पर लहराने की जो कोर्ट ने भी एक आज़ादी दी है, मैं समझता हूँ उसको आम जन तक किस प्रकार हम देश का स्वाभिमान, किस प्रकार हम अपने देश की जो हमारी आत्मीयता, किस प्रकार हम निर्भर उस पर ना रहे, हम अपने लोग खुद हर घर पर तिरंगा लहरा करके अपना जश्न हर घर में मनाएं और प्रत्येक नागरिक देश का उसके साथ जुड़ा है। आज ये मुहिम उस प्रकार हमारे केंद्र सरकार द्वारा, हमारी हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है। इसके बाद खेल मंत्री संजय सिंह ने पलवल जिले में 95 करोड़ रुपए की लागत से 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, जगदीश नायर, प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें जिले के गांव मानपुर में महिला कॉलेज तथा गांव खांबी में अस्पताल का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा पलवल व हथीन में विकास की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। पलवल में करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। मानपुर का कॉलेज है, महिला कॉलेज, एक हमारे खामी का हॉस्पिटल है और पलवल हसनपुर की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं, करीब 6 परियोजनाएं हमारे हसनपुर अकेले विधानसभा की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाते रहें। पूरी टीम, पूरा कैबिनेट, पूरे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश का हर नागरिक उनके विकास में उनके साथ है, हमारे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्रगढ़ में भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर राम विलास शर्मा ने रवाना किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद राव तुलाराम अमर रहे के उद्घोष लगाकर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बारिश में भी लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय अभियान है, प्रदेश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर गांव से ये तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के तत्वाधान में हुई। बहने भी बरसती बारिश में ये 3 किलोमीटर का लंबा काफिला महेंद्रगढ़ महाविद्यालय के प्रांगण से चला और राव तुलाराम अमर शहीद को माला पहनाने तक बारिश ने आसमान भी बरसा, भगवान भी कृपा के रूप में बरसे। आज की ये तिरंगा यात्रा बहुत ऐतिहासिक रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शहीदों का सम्मान करती आई और हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि शहीदों का सम्मान करें, उनकी देश के प्रति दी हुई शहादत को समय समय पर याद करें। आज इस भव्य विशाल तिरंगा यात्रा के माध्यम से कॉलेज ग्राउंड से लेकर और बाबा राव तुलाराम की प्रतिमा तक, उस पर करने तक, जिस तरह से भगवान भी हमारे ऊपर राजी थे, प्रसाद के साथ साथ सब में उत्साह और ऊर्जा का एक संचार हुआ है। लोगों में देशभक्ति व राष्ट्रीय गौरव की भावना को पैदा करने के उद्देश्य से देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पानीपत में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पानीपत संस्कृति मंच के अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है और इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए अनेकों अमर बलिदानियों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। है और हमारे पानीपत सांस्कृतिक मंच के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब की बार हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और एक ये जो भव्य तिरंगा यात्रा आज आप देख रहे हैं, ऐसा तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं इसके लिए सभी पानीपत वासियों का, अपने मंच के सभी सदस्यों का, अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी और यारों दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी अनुशासित ये जो हमारी यात्रा आज निकली है। मोहनलाल बड़ौली का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कल पहली बार कैथल पहुंचने पर जनसंपर्क आशीर्वाद अभियान के तहत जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों के प्रत्येक वर्ग में खुशी की लहर है। जहां प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, वहीं गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है। सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना लागू करके गरीब परिवारों को हैप्पी करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां किसानों की सभी फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक प्रदेश को लूटने का काम किया। इनका हिसाब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता करेगी। और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जो सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं उसको बताने का काम करेंगे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से जन सुविधाओं को लेकर और विकास के काम को लेकर पहल शुरू की है, गरीब आदमी को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा करने का जो तोहफा 6 तारीख को दिया, किसानों के लिए 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी, हरियाणा पहला प्रांत बना है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि हरियाणा में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनकर गरीबों का उत्थान कर रहा है। हरियाणा में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के किसान, महिला, युवा और गरीब की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार देश में ऐसी पहली सरकार है जिसने 24 फसलों को MSP पर खरीदने और 46 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही है। हरियाणा की खेल नीति का परिणाम है कि देश में ज्यादातर पदक हरियाणा के खिलाड़ी जीत कर ला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिसाब मांगे यात्रा करने वाले अपने 10 वर्षों के शासनकाल का हिसाब जनता को दें, नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने देश को 65 साल धोखा दिया और लोगों को जात पात व धर्म के नाम पर गुमराह किया। हरियाणा के लोगों को पाई पाई का हिसाब देंगे और दे रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के रास्ते पर आगे चले, एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के लोगों को दी है। 10 साल पहले जो सरकार थी उनके कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल जाते हुए देखा, तो एक विकास वाली, सुशासन वाली 10 साल में सरकार थी। तो ये तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सिर्फ इस देश में जाति के नाम पर इन्होंने बहुत रोटियां सेक ली, अब देश के लोग समझ गए हैं देश अब एक है और एक रहेगा। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कल शाम हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के तहत जींद पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, पहलवान विनेश फोगट मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखाते हुए विनेश मामले को राज्यसभा भेजना चाहिए। उन्होंने केंद्र पर हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को सबसे कम बजट मिला है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए भाजपा की घोषणाएं केवल एक छल है। हरियाणा साबित हो गया नशे में नंबर एक, हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया नशे में। तो ये स्थिति बन गई हरियाणा की, विकास से कुछ काम नहीं। एक बड़ी परियोजना 10 वर्ष में एक बड़ी परियोजना नहीं बता सकते जिन्होंने हरियाणा के भाजपा की सरकार में हरियाणा में लागू कर दी। लेकिन आज केवल हरियाणा की सरकार विफल नहीं, केंद्र की जो बीजेपी है उसने भी हरियाणा के साथ इतनी बड़ी अनदेखी करी। जो मैंने संसद में बात रखी कि हरियाणा से 7 रुपए लिया जा रहा है और हरियाणा को केवल 1 रुपया दिया जा रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने आज सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से हैं इसलिए वे किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में सभी वर्गों के साथ भेदभाव किया, पहले वे अपने शासन का हिसाब प्रदेश की जनता को दें। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया और अब नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके की कल्याणकारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा भारतीय जनता पार्टी से पहले, उस समय में जो उन्होंने जातियां करने का काम किया,
खासकर जो कमजोर वर्ग है, चाहे एससी के है, बीसी के है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो थोड़ी बहुत भर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल सिरसा के रानिया में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित बदलाव जनसभा को संबोधित किया। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की सरकारों ने हरियाणा को विकास के अभाव में रखा है, अब आप पार्टी लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प है। वहीं आप और जजपा के गठबंधन की चर्चाओं के बीच पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनकी अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। पार्टी जिसके साथ भी गठबंधन करेगी इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को लेकर निशाना साधा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया ने बातें उड़ाई और मीडिया ने चर्चा चलाई और अब जवाब भी मीडिया ही दे रहा है और आम आदमी पार्टी दे रही है। सर हुड्डा साहब पहले अपने गिरेबाह में झांक करके उन तमाम चीजों का हिसाब दें, हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार छीनकर, उनका स्वप्न छीनकर, रिलायंस जैसी कंपनियों को कोड़ियों के भाव बेचने वाले हुड्डा साहब, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी सोनिया गांधी के खजाने भरने वाले हुड्डा साहब किससे हिसाब मांगेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।